अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुभान शेख और जो आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ यह है इन्वायरो एसी के ऊपर। इन्वायरो एसी का जो मॉडल है यह है EAC18QXGL। ये 1.5 टन का एसी है इन्वायरो की तरफ से और इन्वर्टर एसी 75% एनर्जी सेविंग करता है। इसका जैसे आप रिमोट देख सकते हैं, इसके सेम जो रिमोट है वो जो TCL का एसी है मिरेकल सीरीज, सेम वैसा रिमोट है, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है, इसमें जेन की जगह इको मोड दिया गया है। अभी इस एसी को स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कि इसका जो जैसे मैं मीटर लगाया हुआ यहाँ पे, इसके मीटर पे सब कुछ शो हो जाएगा कि कितने एम्पेयर्स लेगा ये, कितना नहीं। अभी 0.3 है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको चलें स्टार्ट करते हैं। अब एसी को स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं थोड़ी देर तक इसके एम्पेयर्स बढ़ेंगे। मैं आपको तब वीडियो दिखाता हूँ। अब जो एसी है उसका आउटडोर यूनिट स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एम्पेयर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये डायरेक्ट 0.3 से 4.9 और 4.8 अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, ये मैक्सिमम मेरे ख्याल में 8 या 9 तक जाएंगे। अगर आप इसको टर्बो मोड ऑन करते हैं इसका, और ये रहा टर्बो मोड, जैसे आप टर्बो मोड ऑन करते हैं तो जो इसके एम्पेयर्स हैं वो तो बिल्कुल ही मीटर से बाहर निकल जाएंगे जितने स्पीड में निकलते हैं आगे। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टर्बो मोड को हर वक्त चला के रखें, क्योंकि अगर टर्बो मोड आपने चलाना है तो सिर्फ इसलिए कि कमरे को फ़ौरन कूलिंग करनी है अगर आपने। चलिए इसका टर्बो मोड ऑन करके देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर्स लेता है। फिलहाल ये 7.4 एम्पेयर्स पे वर्क कर रहा है। अब इसका टर्बो मोड ऑन करते हैं। और ये 1:5 की स्पीड से जा रहा है। इसकी फ्लो भी तेज़ हो गया टर्बो मोड में, अब इसका एम्पेयर्स भी तेज़ होंगे। 8.0 चला गया, देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है। आज बाहर का थोड़ा वेदर अच्छा है इसलिए 8.1 एम्पेयर से आगे नहीं जा रहा। अच्छी बात है, अगर ये वेदर यही अगर बाहर 40-45 टेम्परेचर हो तो ये 11 एम्पेयर तक तो आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके आउटडोर यूनिट को इतना काम नहीं करना पड़ रहा, तो जिसकी वजह से आपको जो है वो एम्पेयर्स कम देखने को मिलेंगे। चलें अब इसका टर्बो मोड जो है वो ऑफ़ करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है इसके ऊपर। टर्बो मोड ऑफ़ कर दिया हमने, देखें 7.8 एम्पेयर्स हो गए हैं साथ ही, और ये ऐसे ऐसा कम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसको अगर आप आधे घंटे का टाइम दें विदाउट एनी जेन मोड या इको मोड, तो ये मेरे ख्याल में ये 4.5 या 5 एम्पेयर्स तक तो आ ही जाएगा। अब जैसे मैंने इसको इको मोड पे ऑन किया था, ये 5.2 एम्पेयर्स तक आ चुका है। तो बेसिकली जो इको मोड होता है इन्वायरो एसी का, उसका मतलब ये है कि 6 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब मेरे हाथ में दो रिमोट हैं, एक इन्वायरो का है और एक TCL का है। अगर इन दोनों रिमोट्स के ऊपर ब्रांडिंग ना हुई हो तो एक आम बंदा नहीं पहचान सकता कि ये कौन सा रिमोट किसका, कौन से एसी का है। अब इन्वायरो के रिमोट को थोड़ी देर साइड पर रखते हैं और अब हम यूज़ करते हैं TCL का रिमोट इसके ऊपर। TCL का जो रिमोट है वो इन्वायरो एसी के साथ सपोर्टेड है, कंपैटिबल है, और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रिमोट इज़ कि इसमें जेन मोड है। और जैसे कि आपको पता है, आपने मेरी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक यहाँ पर दे दूँगा, तो आप देख लें रिमोट के बारे में। जो इस एसी में जेन मोड है वो अगर आप इस पे यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसको पावर ऑन करेंगे हम, और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं फोकस कर लूँ, यहाँ से जेन मोड ऑन किया मैंने, L3 वो देखें वहाँ पे शो हो रहा है। अब L3 का मतलब वो देखें 5.3 एम्पेयर्स, 5.5। अब जैसे ही मैं L2 का ऑप्शन लगाता हूँ यहाँ पर, L2 ऑप्शन ऑन किया, 4 एम्पेयर्स, और 4 एम्पेयर्स तक आराम से आ जाएगा यहाँ पर। इसको वेट करते हैं, 4 एम्पेयर तक आएगा। ये बात किसी और को शायद पता ना हो, लेकिन TCL का जो रिमोट है वो आप इन्वायरो एसी के साथ यूज़ कर सकते हैं और इसके एम्पेयर 3 तक लेके आ सकते हैं। अब इसके जेन मोड नंबर L1 को यूज़ करते हैं, वो देखें, अब ये 3 एम्पेयर तक जाएगा, ये देखें। सबसे अच्छी बात जो है TCL के एसी की वो यही है कि उसमें जेन मोड था, और TCL का जो रिमोट है वो भी जेन मोड सपोर्ट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्वायरो का जो रिमोट है उसमें इको ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। हालांकि जो यूनिट्स हैं वो मेरे ख्याल में इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सेम है, फंक्शन सब कुछ सेम है, इनकी कूलिंग सेम है, इनकी थ्रो सेम है, इवन कि इनकी एनर्जी सेविंग सेम है। तो सिर्फ जो बाहर से इनकी यूनिट की शेप है वो डिफरेंट है, बाकी सब फंक्शनैलिटी सेम है। अगर आपको TCL का रिमोट मिल सकता है तो आप इसको यूज़ करें इसके साथ, और इसके जेन मोड को यूज़ करें, और जो अपने एम्पेयर्स हैं वो कम से कम रखें। अब देखें 3.3 वही चल रहा है, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ओवरनाइट इसको यूज़ करेंगे तो ये आराम से 1.5 या 2 एम्पेयर्स तक आ जाएगा।
अब दोनों एसीज के हमने सिमिलैरिटीज की बात तो कर ली है, लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो जो ये रिमोट है, सबसे बड़ा डिफरेंस इन रिमोट्स के अंदर है, TCL का जो रिमोट है उसमें जेन मोड है और इसमें इको मोड है। और एसी की अगर शेप की बात कर ली जाए तो इट्स मोर लाइक अ स्क्वायर शेप, जबकि जो TCL का जो एसी है इट इज़ मोर राउंडेड फ्रॉम द कॉर्नर्स। तो एक्चुअली मुझे जो शेप पसंद आई है वो TCL के एसी की शेप पसंद आई है, इट लुक्स मोर बिगर देन द Enviro एसी, बट इट इज़ मोर लाइक अ कॉम्पैक्ट एसी। लेकिन दोनों डेढ़ टन के एसी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो TCL का जो बॉडी है उन्होंने वो थोड़ी सी बड़ी रखी है और वो बड़ी ज़्यादा फीलिंग देता है, जैसे कि आपका कोई दो टन का एसी हो। जो थोड़ा सा मुझे इसमें लगा है कि इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो इसके रिमोट के अंदर किया है। अगर इसके लिए वो रिमोट के अंदर जेन का ऑप्शन डाल देते तो ये बिल्कुल TCL का कंपेटिटर बन सकता था, लेकिन एक सिर्फ छोटी सी फंक्शन की वजह से। तो ये थोड़ा सा लेट डाउन यहाँ पे किया है इन्होंने Enviro वालों ने, शायद इनको खुद को कंपनी को भी नहीं पता होगा कि आप जेन मोड इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑफिशियल TCL का जो है रिप्रेजेंटेटिव से बात की थी, तो मैंने उनसे एक और रिमोट की रिक्वेस्ट की है TCL की। अगर आप भी इसके ऊपर जेन मोड का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो TCL का जो है इन मिरेकल सीरीज़ का जो रिमोट है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसका जेन मोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में डिटेल देखनी है वीडियो रिमोट की फंक्शनलिटीज़ के ऊपर, तो मैंने एक वीडियो अलग से डाली हुई है मेरे YouTube चैनल के ऊपर, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एसी के बारे में, एसी की कूलिंग के बारे में, तो नीचे कमेंट में टाइप करें अपना कमेंट और मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा।